चंदनगढ़ में दो पड़ोसी थे, सुरेश और मुकेश। दोनों के खेत अगल बगल में थे। सुरेश की शादी नहीं हुई थी और वो अपनी वालिदा के साथ रहता था, और मुकेश के तो चार चार बच्चे थे। क्या हाल है मुकेश भाई? अब क्या बताऊं, इन शैतानों ने जीना हराम कर दिया है। अब्बा मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। अबे जा अपनी अम्मा के पास जा। अम्मा बाजार गई हैं, आप खिला दो ना। अरे ये देखो, पूरे दिन ये कर दो वो कर दो, मेरी तो जिंदगी हराम कर दी है इन बच्चों ने। अरे भाईजान, अब बच्चे को भूख लगी है तो खाना मांगेगा ही ना। ये लो बेटा तुम आम खाओ, तब तक तुम्हारी अम्मा लौट आएंगी। सुरेश के हाथ में आम देखकर मुकेश के बाकी बच्चे भी दौड़े चले आए। मुकेश ने सबको एक एक आम दिया। अरे सुरेश तुम्हारे तो सारे आम खत्म हो गए। नहीं भाईजान, दो बचे हैं ना, एक मैं खा लूंगा और एक अम्मा खा लेंगी। अच्छी बात है। फिर सुरेश अपने घर के अंदर चला गया। अगले रोज फिर सुरेश बच्चों को आम देने आया। आज फिर आम? हाँ भाईजान, अम्मा को आम बेहद पसंद आए थे, कह रही थी कि और लाना, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ले आया। ये लीजिए, आप और भाभी जान भी खाइए। शुक्रिया सुरेश। अब से अक्सर सुरेश बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया करता था। वो देखकर मुकेश अपनी बीवी से कहने लगा, आखिर सुरेश के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? वो रोज हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाने को लाता है। अब कोई दे रहा है तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है, और वैसे भी सुरेश भाईजान के खानदान में है ही कौन, वो और उनकी अम्मा। हाँ तभी मैं सोचूं, यहाँ तुम सबको खिलाते पिलाते मेरी नाक में दम आ गया है, और ये खुशी खुशी कैसे सब करता है। बड़े ही भले इंसान है वो, इसीलिए करते हैं। आप जैसे होते तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना करते। मेरे पास होते ही कहाँ है खर्च करने के लिए, ऐसे सुरेश ने तो अच्छी खासी बचत भी की होगी ना। हाँ की तो होगी ही। अब ये बात मुकेश के जहन में घर कर गई। वो सोचने लगा कि सुरेश के पास कितना पैसा होगा। एक रोज शाम के वक्त मुकेश ने देखा कि सुरेश जंगल की जानिब जा रहा था। इस वक्त ये जंगल की जानिब क्यों जा रहा है मालूम नहीं, इसका पीछा करके देखता हूँ। मुकेश ने सुरेश का पीछा किया। सुरेश के जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के करीब रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर सुरेश ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी और उसमें से एक घड़ा निकाला। घड़े के अंदर पैसे और जेवरात थे। सुरेश ने अपने झोले के पैसे और जेवर भी उस घड़े में रख दिए और उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ दिया। यहाँ कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, मेरी दौलत महफूज है। और फिर सुरेश उसी रास्ते वापस लौटने लगा। इतने सारे पैसे और गहने देखकर मुकेश के मन में लालच आ गई थी। इतने सारे पैसे मुझे हासिल हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, घर की मरम्मत हो जाएगी, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाएगा, और तो और मैं नया ट्रैक्टर भी ले पाऊंगा। और इन्हीं ख्यालात के साथ मुकेश ने पेड़ के नीचे की जमीन खोदी और दौलत की मटकी बाहर निकाल ली। रात के अंधेरे में मुकेश वो घड़ा लेकर अपने घर चला गया। उसकी बीवी ये देखकर हैरान हो गई। ये क्या खुफिया दौलत? अब इसके मुतालिक किसी को बताना नहीं, वरना सब चले जाएंगे पैसे मांगने। नहीं नहीं, मैं किसी को क्यों बताऊंगी। मुकेश की पत्नी ने उस घड़े में से सारे जेवर निकाल लिए और पहन लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? हो बहुत चुड़ैल, मना किया था ना, हमें ये सारे जेवरात तोड़वा कर नए बनवाने होंगे, वरना जिसके हैं वो इसकी शिनाख्त कर लेगा। लेकिन ये हैं किसके? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है, बस हमारी किस्मत से हमें मिल गए हैं। अब ढिंढोरा मत पीटो, समझी? ठीक है ठीक है। अगले रोज से मुकेश ने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ ही रोज में उसने नया ट्रैक्टर भी खरीद लिया और सारे जेवरात पिघला कर नए बनवा लिए। एक माह बाद सुरेश फिर से जंगल गया, लेकिन इस मर्तबा उसने जो गड्ढा खोदा तो उसका घड़ा वह नहीं था।
मेरा घड़ा, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की सारी कमाई लुट गई। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? सुरेश मायूस होकर गांव की जानिब चलने लगा। वो गांव के कुएं के पास पहुंचा। मेरा सब कुछ लुट गया, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा, मुझे तो मर जाना चाहिए। इस ख्याल से जैसे ही सुरेश ने कुएं में कूदने की कोशिश की, उसके सामने एक गैर मरई दीवार आ गई। वो चाह कर भी मर नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ अपनी दौलत खोने की वजह से तुम मरना चाहते हो सुरेश? ये गलत है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी ज़ईफ़ा अम्मा का क्या होगा? लेकिन अब मैं जिंदा रह के भी क्या करूंगा? जो अब तक करते आए हो, मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में कामयाबी है। तुम खेतों की आपोशी कर मोती निकाल सकते हो और दौलत वापस कमा सकते हो। उसमें तो कई साल लग जाएंगे। कोशिश तो करो, इस मर्तबा तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तो ये कुआं हमेशा खुला है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। सुरेश अपने घर लौट गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। अरे भाई सुरेश, सुबह से रात हो गई, घर नहीं जाना क्या? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बस इतना जोत लूं। ठीक है, मैं चलता हूं भाई। मुकेश को इल्म था कि सुरेश अपनी दौलत को लेकर परेशान था, लेकिन दौलत लौटाने का मुकेश का कोई इरादा नहीं था। तकरीबन 2 माह गुजर गए और अब सुरेश के खेतों में फसल नजर आने लगी। इस बार उसके खेत सोने की मानिंद चमक रहे थे। भाई ये क्या पैदा कर रहे हो, खेत इतने चमक क्यों रहे हैं? बोए तो मैंने धान ही थे, लेकिन मुझे भी मालूम होता है कि ये सब कुछ अलग है। कोई बात नहीं, 1 माह बाद कटाई करने पे मालूम हो जाएगा। हाँ, 1 माह बाद सभी ने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी। सुरेश ने सारी फसल काट ली। जैसे ही उसने धान को झटका तो उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। ये क्या? सुरेश की आवाज सुन मुकेश भी वहाँ हाजिर हुआ और हीरे मोती देखकर वो भी हैरान हो गया। ये तो हीरे जवाहरात हैं। हाँ, दोनों ने मिलकर सारे हीरे जवाहरात धान से अलग कर लिए। इतने सारे कीमती जवाहरात देखकर सुरेश बेइंतहा खुश था। आज मैं बेइंतहा खुश हूँ मुकेश भाई जान, कुछ हीरे मोती तुम भी ले जाओ। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता, मैं पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई जो तुमने जंगल में गड्ढे में छुपाई थी, वो मैंने चुराई थी। मैं चोर नहीं हूँ भाई, लेकिन मेरी मजबूरी थी। घर की मरम्मत और ट्रैक्टर के लिए मैं ये सब तुम्हें कबल ही बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी उसी चोरी की वजह से मुझे ये सब हासिल हुआ है। अब वो कैसे? जब मैंने देखा कि मेरी दौलत वहाँ नहीं है, तो मैं मायूस हो गया और कुएं की जाने मरने चला गया। फिर यकायक मेरे रूबरू एक जादुई दीवार बन गई। इस दीवार ने मुझे समझाया कि मौत इस परेशानी का हल नहीं है, और मुझे फिर से खेतों में फसल उगाने के लिए भी कहा। और शायद आज उसी जादुई दीवार की वजह से मेरे खेत में हीरे मोती पैदा हुए हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश भाई, मैं खुदगर्ज हो गया था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का अफसोस हो रहा है, यही काफी है। और ये हीरे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे उन 4 शरारती बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहा हूँ। इन्हें संभाल कर रखना। शुक्रिया, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। मुकेश ने सुरेश को गले लगा लिया और फिर वो मुट्ठी भर हीरे लेकर अपने घर चला गया। सुरेश बहुत अमीर हो गया। उसने बंगला बना लिया और फिर जल्दी ही शादी कर ली और खुशहाल जिंदगी बसर करने लगा।